بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجد يتيما فآوى كعب نؤان سجايا سلام کتنے شجراویاں سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے روڑا پڑھایا میرے محمد نے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دی بات درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک رات گئے اساں تمام احباب دا اور خواتین اسلام دا تمام معزز مہمانان گرامی دا بیٹھنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. اج دی اے عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس جو کہ بڑے ہی شاندار اہتمام و انتظامات نال انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے اللہ پاک تمام منتظمین مومنین نوجوان ساتھی محنتاں کوششاں کرن والے احباب اور خصوصاً بزرگ عالم دین اس علاقے کی پہچان حضرت مولانا حکیم احسان الحق صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب حافظ ابتسام الحق صاحب اللہ پاک تمام دوست احباب کی محنت کاوش کو قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے. اور خوشی اس بات دی کہ الحمدللہ یہ 75ویں سالانہ کانفرنس اور الحمدللہ آج تک ہو رہی ہے تو میں دعا کرنی چاہنا انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے. جی آخو انشاءاللہ پھر آخو انشاءاللہ مل کے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
और अहले हदीस यूथ फोरस पाकिस्तान के जेरे तमाम एक कॉन्फ्रेंसा ए जलसे ए महफला इंशाल्लाह सारदियां रहनगियां। अल्लाह पाक इन्हां प्रोग्रामां वास्ते तमाम उलमा की मेहनत और हाजरी नूं भी कबूल फरमाए। मेरे जिम्मे उनवान है यतीमों से मुहब्बत में इंशाल्लाह मैनू वक्त 3 बजे का दिता है। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्दी थोड़ी जान छड़ांगा। अल्लाह पाक शरा सदर फरमा के हक सच बयान करके सेहत नाल अल्लाह थोड़े समेत अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज दोस्तों और साथियों, इंसान की जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतां नाल इंसान को नवाजिया, मगर मैं समझना कि उन तमाम नेमतां जो अल्लाह पाक ने वालिदैन नूं एक अजीम तरीन नेमत बनाया, वालिदैन एक ऐसी अजीम नेमत ने, मां और बाप जिसने इस नेमत का कदर पहचान लिया है, जिसने इस नेमत की खिदमत कर रही है, अल्लाह पाक ने उन्हें रंग भी बड़े लाए ने, शाना भी बड़िया दीतिया ने और दर्जे भी बड़े अदा किए। लम्हा फिक्रिया यह है कि अज का नौजवान है ना मां की कदर करता है, उड़ान पकड़ता है, जवानी की दहलीज ते कदम रखता है ते बुढ़े बाप को अखां कढ़ता है, बुढ़े बाप की गल नहीं सुनता, ना मां की कदर करता है ना बाप की कदर करता है। जवाना जिन्हों अपने बाप की कदर नहीं, अगर कदे वाले की कदर पूछनी हो किसे उस यतीम बच्चे नूं जा के पूछी जिहड़ा फर्क शापां च गालां भी खांदा ते धक्के भी खांदा है। तू वालद दे सिर ते मोटरसाइकलां ते घूमणा है, गड्डियां ते कारां और एसियां ते थले बहना और फिर भी तू अपने बाप की कदर नहीं करता। कदी उन्होंने पूछया कर जिन्हें बचपन च अपन अखा न बाबा का जनाजा उठदिया वेख्या, कदी उन्हें यतीमां नूं पूछया कर कि बाप का कदर की होया करता है। आइए पहला पैगाम ये वे, पहला सबक ये वे कि खुदारा अपने वालिदैन की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। और गुराबा मजाकीन यतीमां नाल प्यार करो, जेड़ा यतीमां नाल प्यार करता है अल्लाह पाक ने उदे वास्ते की अजर रखे है, किस नेमत का ऐलान किया है और किन्ना बागां का ऐलान किया है, किन्ना बहारां का ऐलान किया है। आइए जरा कुरान पाक सुनिए, जरा बड़ी मोहब्बत नाल अज दा पैगाम नोट करना। फरमाया फरमाया वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله سبحان الله
कुरान कुरान में तेरी अजमत तो सदके जावा, लख वार में कुर्बान होता जावा। मैं बड़ी मोहब्बत नल और बड़े दराम नल अपने हर बयान दे दता दे, एक दो बातों की दावत जरूर दिया करना। मेरा जी करता है अज दी अजीम शान कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जनाब थानू मैं दावत दे जावा। सो लियो अज असी अपने आप नू एक कहने आ, मैं नबी पाक दा दीवाना, मैं हुजूर दा आशिक, मैं सहाबा दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं सहाबा नाल प्यार करना, मैं कुरान नाल प्यार करना, मैं नबी पाक नाल बड़ी मोहब्बत करना। मगर हकीकत एवे सोनियो, हकीकत दे अंदर ये दावे सिर्फ साडे जुबानी कलामी रह गए, असी इस्लाम तो हट गए, कुरान नू छड़ गए, हदीस नू छड़ गए, सुन्नत तो पिछा हट गए। मैं एहो ही पैगाम लेके आया, मैं एहो ही दावत देन आया, और मेरे हर जनाबे वाला मेरी जमात दा मंसूर भी एहो, साडा मनहज भी एहो, साडियां कॉन्फ्रेंसां दा मकसद भी एहो। याद रखिया जे इन्हां जलसियां दा मकसद तुहाडे ईमान नूं सराब करना, इन्हां जलसियां दा मकसद तुहाडे ईमान दीआं खेतियां नूं पाणी देना, इन्हां कॉन्फ्रेंसां दा मकसद तुहानूं कुरान दे नेड़े लियाना, तुहानूं हदीस दे नेड़े लियाना, तुहानूं सुन्नत दे नेड़े लियाना, तुहानूं नबी पाक दी गुलामी च लियाना, तुहानूं हुज़ूर दी निस्बत लियाना, तुहानूं नबी पाक दी नौकरी च लियाना। और मेरा पैगाम मेरी दावत देवे सोनिया, इस्लाम दे नेड़े आ जाओ, कुरान दे नेड़े आ जाओ, हदीस नाल प्यार पा लो, सुन्नत नाल जिंदगी जमका लो, और लड़ लग जा मेरे नबी पाक ने लग जा, निस्बत बना ले मेरे नबी पाक ना बना ले, कुरान पढ़िया कर मोहब्बत नाल पढ़िया कर। जवानों मैं मोहब्बत पैगाम दियांगा, बड़ा प्यार पै गया तेरा फेसबुक नाल, बड़ी मोहब्बत पै गई तेरी फेसबुक नाल, इतने पहले से उठे अल्लाह अल्लाह तेरा बड़ा प्यार पै गया फेसबुक दे नाल, सोनिया तेरे चढ़दा है ते फेसबुक लैके बह जांदा है। मैं मोहब्बत नाल कहांगा और कदी इस बुक नूं भी खोलिया कर, जिस बुक नूं अल्लाह पाक ने नबी पाक दे सीना है पाक ने उतारिया है, कदी इहदा भी मुताला करिया कर, कदी इहदी भी तिलावत करिया कर, कुरान पढ़िया कर, मोहब्बत नाल पढ़िया कर, कुरान ते अमल करिया कर। जाने जिहड़े वेले कुरान पढ़ेगा तेरे दिल च बहार लग जाणगियां, अल्लाह तेनू दर्जे अता करेगा, अल्लाह तेनू शान देवेगा, जवाना अल्लाह तेनू शख्सियत बना देवेगा, अल्लाह तेनू रुतबे अता करेगा। सुनना जरा कुरान ने पाक सुनना, अरमाया बस वल्लैली इज़ा सजा, मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, वलल आख़िरतु खैरुल लका मिनल अूला, वलसौफा युतीका रब्बुका फ़तरज़ा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। कुरान पाक दा कौर मुकाम सुनदा, किते कुरान आंदा हर माया वायु तैमूनत दामा अला
ربي مسكينا ويتيما وأسيرا میں محبت نال پاک شروع کرنی جانا اور اپنے نبی پاک کو شروع کرنی جانا کیونکہ میرا عنوان یتیموں سے محبت آنا میں انہاں لوکاں نوں ابتدا دے اندر پیغام دینا جانا اور جڑے یتیماں نوں حقارت دی نگاہ نال ویکھدے نے اور جڑے غریباں نوں حقارت دی نگاہ نال ویکھدے نے جڑے جناب والا اے سمجھدے نے اے یتیم تے کسے کم دے نہیں یتیم جنابے والا سر دے باپ دا سایا کوئی نہیں اے کی کر سکتے نے اے کچھ نہیں بن سکتے اور میں محبت نال کہاں گا سونے کدی کسی یتیم نو حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر اور کدے کسی غریب نو حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر اور نہ مان کری سونے اور کدے اپنے جنابے والا شہرت دے مان نہ کریا کر اور کدی اپنی جوانی دے مان نہ کریا کر کدی اپنے علم دے مان نہ کریا کر کدی اپنی آواز دے مان نہ کریا کر کدی اپنے جنابے والا دولت دے مان نہ کریا کر کدی اپنے ڈیرے دے مان نہ کریا کر کدی اپنے عزب دے نصب دے مان نہ کریا کر کدے جنابے والا اپنے حسن تے مان نہ کریا کر کدی اپنی طاقت تے مان نہ کریا کر اور یاد رکھی کسے نو حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر سونیا اللہ پاک دیاں پکڑاں بڑیاں سخت نے اودی پکڑ تو بچیا کر ایویں جنابے والا غلط راہاں تے نہ چلیا کر اللہ دھیان کرنا اپنے دلاں چ عارضی لے کے آنا اپنے دل چ نرمیاں لے کے آنا اپنے دل چ گساریاں لے کے آنا تے آ میں تینوں دس جانا چاہنا وا آ تو تے یتیماں نوں حقیر سمجھنا اے اور جس مصوب دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے اور توں سمجھنا اے نکما اے بھلا میں تینوں اپنے نبی پاک دی گل سنا جاواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جے دنیا تے آئے نہیں ہو تے میرے آقا دے آن تو پہلا میرے نبی پاک دے پاپا اس جہان تو چلے گئے نے اور میرے آقا یتیم پیدا ہوئے نے یتیم اس کائنات دے اندر آئے نے آنا میں تینوں دسنا جانا وا ادھر جنابے والا حضرت عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ تے بی بی آمینہ دا نکاح ہو گیا ہے نوی نوی شادی ہے سردار عبداللہ نو کتے جناب جانا پے گیا ہے سفر دی غرض نال تجارتاں دی غرض نال جانا پے گیا ہے اے نکل گئے شام دے علاقیاں دی طرف چلے گئے بعض نے لکھیا کہ سیدھا یثرب دے علاقے وال چلے گئے بعض نے لکھیا شام دے علاقے جو ہو گئے یثرب مدینہ طیبہ آ گئے تے مدینے آئے نا تے مرضیاں میرے مولا دیاں چلیا کر دیاں نے بیماریاں نے گھیرا پا لیا ہے آئے بیماریاں آ گئیاں عبداللہ بیمار ہو گئے تے آخر ایک دن وہ بھی آیا ہے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے او مر جان والو ظفر وال والو او سونےو جانتے ہو جدوں موت دا پیغام ਮੰਦਾ ਨਾ ਓਏ ਬਸ ਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓ ਸੋਨਿਓ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ اے جنابے والا جنہ گھراں چ کہہ کے بلند دویا کردے نے اور جنہ گھراں چ خوشیاں جنابے والا چھائیاں ہوندیاں نے انہاں گھراں چ ویرانیاں پہ جاندیاں نے انہاں گھراں دے اندر جنابے والا غم ڈیرے پا لیندے نے اور جدوں موت دا پیغام آوندا ہے اور لوکوں موت نہیں جے ویکھیا کردی اور جواناں جس طاقت تے مان کردا پھرنا ہے میں ہاتھ بن کے کماں گا
मान करया कर ता टाइम मैं मोहब्बत नाल तेन कह जाना जाना सोने जो मौत का पैगाम आंदा है ना मौत नहीं वेख्या कर दी आए अगर जनाबे वाला इस जवान असी जनाबे दे मौत आ गई ना रू कबल करके ले गए ते इहदे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाणगे इहदे जनाबे वाला बच्चे नू पापा पापा करते रह जाणगे कौन इहनां नू बाप दा प्यार देवेगा कौन इहनां नाल मुहब्बत करेगा ओए मौत नहीं जे वेख्या करदी मौत आउंदी ए ते मासूम बच्चियां और रोंदियां ने ते रोंदियां रह जाण उहनां कोल बाप दा साया खो के लै जांदी ए ओए मौत आउंदी ए ते जनाबे वाला बुढ़े मां बाप कोलों जवान पुत्र खो के लै जांदी ए ओए मौत आउंदी ए और धीआं रोंदियां रह जांदियां ने बाबा दी चार पैनल आए चिमटदियां रह जांदियां ने ओए मां दी चार पैनल चिमटदियां रह जांदियां ने पर जदों मौत दा पैगाम आउंदा है ना ते जनाबे वाला मौत मापियां नूं खो के लै जांदी ए इधर जनाबे वाला सरदार अब्दुल्ला ते मौत दा पैगाम आ गया है फौत हो गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उधर जनाबे वाला बीबी आमीना है रावां तक दिए पई और लोगो जरा गल ध्यान न सुनिया जे और धीआं भैणां कदे कदे मक्के बार आ जांदियां ने हाय मैं वेखां कोई राई आ जाए हाय कोई जनाबे वाला कोई आउण वाला काफला आवे मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੇ ਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ वक्त लंघता गया है टाइम गुजरता गया है आखिर एक दिन वो भी पैगाम आ गया है और जेड़ा पैगाम और जेड़ी खबर आती है ते जनाब बीवियां दे सीने फटन आ जाते ने उस औरत दा जनाबे वाला सीना फटन आ जाता है जिस खबर के बाद इंज लगता है कि बोरे क्यामत आ गई है वो खबर आ गई जिन्ना खबर बाद जफर वाल वाले मरजाल वाले सुने जिस खबर के बाद मापे उनका लक टुट जाता है खबर आईया हाय आमीना तेरा सुहाग लुट गया है तेरे सर दा साईं पौ दो गया है इधर जनाबे वाला बीबी आमीना नु खबर मिलिया ना कम्मा ने घेरा पा लिया हाय कम छा गए ने ते बीबी आमीना और जेड़ी खतून खामद माड़ा भी होवे मजदूरियां करता होवे मेहनत करता होवे सुनो ओ खतून जनाब अपने खामत दे सिर ते जनाब घर दी मलका होया करदी है ओ तख्तां ते बैठी होया करदी है ते जानदे हो जिस खतून दा खामत खौद हो जाए ना ओ एड़ी होया करदी है जिवें तख्तां तों नीचे गिर पई है इस दुख नूं मेरी बेवा भैण नहीं समझ सकदी है ओ जेड़ी जनाब बेवा हो के तकियां जोगी रह गई है आए आए इस दर्द नो या ओ मां बाप समझ सकते ने और जिन्ना दी धी जनाब बेवा हो गई है जिन्ना दा दमाद इस जान तो चला गया है सुनियो और दुआ करे अगर अल्लाह इन्हां धीआं भैणां नू सुखी रखे अल्लाह इन्हां दे मुकद्दर अच्छे बनाए आए मर्जियां मेरे मौला दियां इधर पतन च बजाए
खामन की मौत की खबर आ गई है और मैं ते पड़े है हाय बीबी आमीना बीबी आमीना कदे कदे कलियां बह के अपनी जुबान चो अचार पड़िया कर दिया ने ते आखिया कर दिया ने वाह अब्दुल्ला अजे बहारें केड़िया वेखिया सन अजे ते चंद महीने गुजरे सन निकाह होया हुण ही साथ तोड़ के चला गया है हुण ही जनाब साथ हुण ही बेवफाइया कर गया है किस मौके ते लिया के मैनू छड़ गया है किस मौके ते लिया के मेरे पेट ते मेरे बदन ते अंदर तेरा बच्चा है ते तू आप जान तो चला गया है तेनू मौत दा पैगाम आया है तू मौत दे पैगाम नू कबूल कर लिया है ते मैं तनहा रह गईया मैं अकेली रह गईया हाय अब्दुल्ला हाय अब्दुल्ला मेरा बच्चा आएगा दुनिया ते यतीम आएगा मेरे बच्चे दा ख्याल कौन रखेगा ते जनाबे वाला वक्त लंघदा गया है लोगो टाइम लंघदा गया है ओ भी वक्त आया नौ रबीउल अव्वल आए दिन संवारदा है ते सुबह दा टाइम ते मेरे आका पैदा होए ने नबी पाक पैदा होए ना ते खबरां फैलियां ने यतीम पैदा होए ने ते बीबी आमीना आखर औरत सी आखर खतून सी इंसानी फितरत और बंदा परेशान हो जाया करदा है बीबी आमीना आंदियां ते ओन गियां अरशा वाले आओ बच्चा पैदा होवे ते बड़े बड़े मुबारक दे कोई जनाब रिश्तेदार मुबारक देने को अपना बेगाना जाता है हाय मेरे अल्लाह मेरे बच्चे दिया मुबारक कौन देना वेगा ये दादे बाबी कोई नहीं कितने आंदियां होनगियां ए मेरे आ सोने खालिका अल्लाह बेटा जितई बच्चा चलन फिरन ते काबर हो जाए ना ते जनाब बाप उंगली ना लगा लेना है बच्चे नू ले जांदा है सहरा नू ले के जांदा है अल्लाह मेरे बच्चे नू सहरा कौन कराएगा इधर जनाबे वाला मेरे बच्चे नू कौन खिलौने ला के देवेगा ते मैं ते आना आसमान तो आवाज आउंदी होएगी आमीना घबराई ना परेशान ना होवी तू ना घबराई असा तेरे लालो यतीम पैदा कीता है सारे जानदा जनाबे वाला यतीम पैदा कीता है पर असी तेरे लालो शाना सारे जान नालों पुछियां दे सारे जान नाल बुलंद इज्जतां देंगे और मैं ते कहा करना वो चाहे तो कतरों को समंदर कर दे वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे किते कुरान ने फरमाया आलम अजीद का यतीमन फावा आसमान तो आवाज आती है असा पैदा ते यतीम किया है पर असी लोगों के दिलों से जगह दे देंगे असी सारे जान बद के शाना अदा कर देंगे इधर जनाबे वाला अल्लाह पाक ने फिर इज्जत दितियां और शाना दितियां ने रिफत अदा कीतियां ने जवानों जरा ध्यान करिया जे मैं जवाना हूं पैगाम दे लगावा वक्त लंघता गया है टाइम गुजरता गया है मेरे नबी पाक जवानी च कदम रखते ने मैं गल मुख्तसर करना वा पिया जवानी च कदम रखिए इत्तसाम भाई दी गल दोस्त पाक ध्यान करना नरा इधर जरा जवानी च कदम रखिया है ते हजरत नबी पाक ने मक्के च एक टीम बना ली है हाँ एक तनजीम बना ली है एक जनाबे वाला तनजीम बनाई है जिदा मकसद की है इको मकसद है
गरीबा दे काम आना है, यतीमा दे सिर ते दस्ते सुकद रखना है, मेहमाना दी मेहमान नवाजी करनी है, अल्लाह मुसाफरा दी मदद करनी है, हाजिया दी खिदमत करनी है, और मैं मुहब्बत नाल कमा जवाना तंजीमा ते बनाना है, और टीमा ते बनाना है, किते क्रिकेट बाल ते बनाना है, किते फुटबाल ले बनाना है, किते वालीबाल ले बनाना है, किते स्नोकर ले बनाना है, किते किसे काम ले बनाना है, किते टूर्नामेंट ले बनाना है, किते जनाबे वाला पार जनाब बरादरी लेवल ते बनाना है। मैं मुहब्बत नाल कहंगा ओ तू इंज दी वी तंजीम बनाना, ओ आ मेरी यूथ फॉर जहाना जवाना, ओ जवानियां ते लंघ जानियां नी, ओ जवानी रोज रोज नहीं लभिया करदी, इस जवानी च कुछ कर जा जवाना, इस जवानी तो पैदा उठा लै कुछ कर जा अपने खालक वास्ते, कुछ कर जा अपने नबी पाक वास्ते, जवानी च कुरान नहीं कुछ कर जा, जवानी च हदीस नहीं कुछ कर जा, जवानी च सुन्नत नहीं कुछ कर जा, जवानी च सहाबा नहीं कुछ कर जा, जवानी च अहले बैत नहीं कुछ कर जा, जवानी च को ऐज दिया मैं बनाऊं सजा जा, वो तेरी नजात दा जरिया बन जाए, ऐज दिया मैं फलां फबा जा, ता के रहिंदी दुनिया तक तांदा रहे, ता के सदका जा रिया बन जाए, जवानी दे अंदर कोई जिदा काम कर जा, तवज्जो तवज्जो, मैं मोहब्बत ना गल करनी चाहना, अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमा ले, तवज्जो करना, और जवानियां लंघ जानियां नी, और पता नहीं केड़े वेले मौत दा पैगाम आ जाए, इस वास्ते जवानी तो पैदा उठा लेना, और कोई एज दी कमेटी बनाना सोनिया, और जिदा इको मकसद होवे बेवा दी मदद करना, यतीम राशन पहुंचाना, यतीमा नु तलीम देना, यतीमा नु जनाबे वाला कपड़ा पहुंचाना, और गिफ्ट दे तौर ते पहुंचाना। आओ फिर मैं दसा, जेड़ा बंदा पहुंचांदे अल्लाह पाक ने ओदे लई इनाम की रखिया है, सुन लो तेरा जवानो ध्यान करना, हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु बस तवज्जो करना, जरा गौर करते जाना, बड़ी मोहल्ला बड़ा जज्बा कबूल फरमाए, इंतजामिया दी मेहनत कबूल फरमाए। मैं जेड़ी गल करना वा पिया, मेरे नबी पाक कोले कौन वाला जवान आया है, ते आके आंदा सोनिया ए दिल बड़ा ही डाटा हो गया है, दिल बड़ा सख्त हो गया है, सोनिया को तरीका दसो दिल नरम हो जाए, जवाना अज साडे दिल डांडे हो गए, मोबाइल ते गंदियां फिल्मां वेख वेख के, और मोबाइल ते जनाब गलत रिश्ते बना बना के, हराम कारियां कर कर के, और दिल डाढे कर बैठा है, सोनिया रिश्वतां खा खा के, और लोकां लई गलत परा पुगने कर कर के, अपने दिल नूं सख्त कर बैठा है, झूठ बोल बोल के, चुगलियां कर कर के, दिल डाढा कर ले, और कदे नरम वी करन दियां कोशिशां करिया कर, कदी इस दिल नूं नरम करन दियां कोशिशां कर, कर मेरे नबी ने तरीका दसिया है, और नरम किवें करना है, मेरे नबी को जवान आया आके आंदा सुनिया दिल डाटा हो गया किवें नरम करा, ते मेरे आका फरमाते ने फरमाया जवाना जा किसे यतीम बच्चे नू लभ ले जिदे सिर ते बाप दा साया कोई नहीं, जिदा बचपन च बाप बहुत हो गया है, उस बच्चे नू लै लै ते मुहब्बतां कर लै, ओदी ओदी तालीम ते ओदे खान पीन ते खुराक दा ख्याल कर ले, अल्लाह पाक तेरे दिल नू नरम कर देवेगा, अल्लाह तेरे दिल च नरमियां पैदा कर देवेगा, और जवाना और दिल नरम करिया कर, और कदे रोना ना आवे किसे यतीम दे लागे बह के ओदे दुखड़े सुन लिया कर, यतीम ना मुहब्बत कर लिया कर, और यतीम नू लभना होवे
किसे वर्ग शाम जला जाया कर और जिथे मैं वेखे है आज तू अपने बच्चे नू महंगे तो महंगी अकैडमी च दाखल कराना है और महंगी तो महंगे स्कूल च दाखल कराना है ओदे वास्ते गड्डियां लवाना है तेरा बच्चा स्कूल जावे ते आवे और कदे रेस्टोरेंट च जाया कर और कदे वर्कशॉप च जाया कर जाके वेखिया कर और जिन्ना मासूमां दे हत्थां च किताबां ते पेंसिलां होनिया चाहदियां सन ओ बच्चे रैत ते पदास फड़ी फिरदे ने हथ सुजे पै ने नाले गालां पईआं पैंदियां ने ओ यतीमी दा दौर बड़ा औखा होया करदा जे यतीमी दा दौर बड़ा औखा होया करदा जे सोनियो ओ भी ताने मारदे ने जिन्हां दी औकात नहीं होया करदी यतीमां नूं ओह भी मेने मारदे ने ओ यतीमां नूं ओह भी आकार दी निगाह नाल वेखदे ने ओ जिन्हां दे पल्ले कुछ नहीं होया करदा जिदा दिल करदा है ओ गालां कढ जांदा है जिदा दिल करदा है मंदा बोल जांदा है जिदा दिल करदा है जिवें मर्जी गल कर जांदा है ओ सोनिया यतीमां दी जिंदगी ते बचपन बड़ा औखा लंघिया करदा है हाय हाय यतीमां नाल प्यार करिया कर यतीमां नाल मुहब्बत करिया कर लभिया करना अज जनाबे वाला तू घर दे अंदर आवें ते थकिया हारिया वे सारा दिन मजदूरियां कीतिया होण सारा दिन कम काज करके आया वे और जेड़े मेरे घर विच आउणा तेरा दिल करदा है मैं आराम कर लवां और तेरा दिल करदा है मैं सो जावां पर आउंदियां तेरी बेटी बाबा बाबा कर दियो ओ तेरियां लत्तां नाल निमट जांदी है ओ तेरा लाल बाबा बाबा कर दियो ओ तेरे कंधियां ते चढ़ जांदा है ओ तेरियां जेबां च हथ पा लैंदे ने तेरियां जेबां चों मोबाइल कढ लैंदे ने कोई तेरा बच्चा तेरे कंधे ते चढ़ के बैठ जांदा है कोई तेरियां लत्तां नाल निमट जांदा है कोई तेरियां जेबां फुल लग जांदा है और कदी तसव्वुर ते करिया करना ओ भी ते नमाने यतीम नमाने है ने और जेड़े रावां थकदे ने काश साडा बाप आवेगा पर उन्हां दा बाप तेरे मरजाल दे कबर जनाबे वाला और तेरे बच्चे तेरे कंधियां ते जड़ जांदे ने और तेरी मासूम जी बेटी जदो तेनू कहती है बाबा मुझे पिज़्ज़ा लेके धोना बाबा मुझे पार्क लेके जलोना बाबा मुझे फुलां लेके धोना और थकावटा भुल जाना है और थकावट खत्म हो जाती है थकिया भी होवे ते नाल लेके ते चला जाना है अपनी बेटी नू सीने नाल ला लैना पार्क च लै जाना है पिज़्ज़ा शॉप च लै जाना है कदी सोचिया कर जिस यतीम बच्ची दा बाप फौत हो गया है और उन्हें किदे सामने डिमांडा करनिया ने उन्हें किन्नू आखने पापा मुझे पिज़्ज़ा लेके धोना पापा ओए जवाना नहीं कदर करदा बाप दी कहते ने पापा तू मेरे लिए कीता की है की कमाया मेरे बाद की बनाया और कमले आप कपड़े पाए नी दान दे ये तेरे बाप दी कमाई देने मोटरसाइकिल ते फिरना है ये तेरे बाप दा खून पसीना है एसियां थले बहना है तेरे बाप दा खून पसीना है कालजा च जाना है तेरे बाप दा खून पसीना है अच्छी छत ते थले बहना है तेरे बाप दा खून पसीना है और तू फिर भी नहीं कदर करदा सुनिया ओए उन्हां नूं पुछिया कर जेड़े ईद दिहाड़े ईद दिहाड़े
तू ते बाप दे लागे बैना पसंद नहीं ना करदा। ओए मैं बड़े बड़े बच्चियां नू गीतां दे दिन बाप दी कबर ते रोंदियां वेख्या है, मां दी कबर ते पिलकदियां वेख्या है। हाय हाय दर्जनामे वाला किथे याद आया ओ मंजर, हाय ईद दिहाड़े ते मेरे नबियां दे जनाब अपने घर चो निकले ने, ईद गाह दी तरफे जान लगे ने, ते रस्ते दी अंदर जनाब हैं जे बच्चे खेल दे नजर आए ने, बच्चे खुशियां मनांदे ने पै नवे नवे कपड़े पाए होए ने, ते मेरे आका दियां निगाहां पईयां, हाय एक बचाओ एक बचाओ एक बचाओ, एक पासे लग के खड़ा होया इंज चेहरे ते गम छाए होए ने। ओ यतीमां दियां ईदां वी लगदियां ने रोंदियां, अपने पापा नूं याद करदियां लंघ जांदियां ने। ए जदों यतीम नमाणे मैं हद बन के कहांगा, ओ तू अपने बच्चियां नाल प्यार बड़ा करदा होएगा, बड़ियां मुहब्बत करदा होएगा, पर सोनिया कदी यतीमां दे सामने अपने बच्चियां नाल चोखा प्यार ना करी। इन्हां यतीमां दे कलेजियां ते सट बड़ी वजदी हो, इन्हां दा सीना फटन नूं आ जांदा है। और जदों वेंदियां ने बच्चियां अपनियां सहेलियां नूं अपने बाबा नाल, जदों वेंदियां ने ए मासूम यतीम बच्चियां ए अपनियां कदनां नूं अपने बाबा दे नाल, इन्हां नूं अपने बाप दी याद पल पल सताउंदी ए। ए किसे दे सामने ते नहीं रोंदियां, पर तनहा बह के जरूर रोंदियां ने, अपने बाबा नूं याद कर कर के रोंदियां ने। मैं पैगाम दियांगा सोनिया, ओए ईद दिहाड़ा होवे अपने बच्चियां लई शॉपिंगां करना है, अपने बच्चियां लई खरीदारियां करना है। मैं ते कहांगा यतीम तेरे भतीजे क्यों ना होण, और तेरी भैन दे बच्चे क्यों ना यतीम होण, वेखी किते शरीका करके नजरअंदाज ना कर दे, और वेखी किते जनाब किसे अनाथ दी खातर ना यतीमां नूं नजरअंदाज ना कर दे। इन्हां लई पहिलां शॉपिंगां करिया कर, इन्हां नूं पहिलां कपड़े पजाया कर। ओए ईदी ओए तू ईदी अपने बच्चियां नूं नाम ही देवे ते जिद करके ले लैंदे ने। सोचिया कर ओए जिन्ना यतीमां दा बाप आए कबरां च जा पिया है, उन्हां किते कोल ईदां मंगनियां ने, आए आए ओ ते जनाब ईदां रो के गुजार दिंदे ने। इस वास्ते पहलां ईदी उस यतीम बच्ची नूं दे के आया कर, यतीम बच्चे नूं दे के आया कर। इधर मेरे नबी पाक ने दस्या है, हजूर ने वेख्या यतीम बच्चे आए, ये जनाब एक पासे लगा है, गम दे चेहरे तो नजर आता है पिया, मेरे आका दे लागे चले गए। इस बच्चे नु नहीं पता कि मेरे सिर ते हाथ रखन वाले आखरी पैगंबर जहाना दे पीर ने। ये जनाब नबी पाक ने हाथ रखिया है, ते मेरे आका फरमांदे ने फरमाया बच्चिया की गल सारे बच्चे खुशियां मनांदे ने पै, और तैनू की गल ओ तू क्यों एक पास लग के खड़ा। इस बच्चे नू नहीं पता कह लगा पुछन वालियो, इन्ना बच्चिया इन्ना सारिया दे मापे इन्ना दे सिर ते ने, मैनू नवे कपड़े पवान वाले जिन्हां नाल मैं ईदा मनानियां सन, मेरे सिर ते ना मां दा साया ते ना बाप दा साया।
मेरी मां भी फौत हो गई है, मेरा बाप भी फौत हो गया है, मापे इस जान तो चले गए ने, ते मेरे नबी और जान जिन्हें आपे वेला वेख्या होवे, जिन्हें आपे दौर कटिया होवे, अल्लाह ओ लोको ओ जफर वाल वाले हो और जानते हो जिदे सीने ते अग भर दी होवे ना, जिन्हें बचपन च यतीमी का दौर वेख्या होवे नालों वध के कौन जानदा है यतीमी का दौर की होया करदा है, ते मेरे नबी नूं अपना वेला याद आ गया होएगा, मेरे नबी नूं अपना दौर याद आ गया होएगा, ते मेरे आका उस बच्चे नूं उठा लिया ते सीने नाल ला लिया, मत्ता चुमिया ते मेरे आका लेके चल पे घर दे अंदर आए, फरमाया ऐ जाओ इंज कर इस बच्चे नूं साफ सुथरा बना, मेरे हसन ते हुसैन दा कोई लिबास मंगवा दे, इस बच्चे नूं पवा दे, लिबास मंगवाया गया हाय पवाया गया, मेरे नबी ने इंज कलेजे नाल ला लिया, ते मेरे आका फरमाते ने फरमाया बच्चिया अज ते बाद तेनू मां दी याद आवे ना, तू ऐसा नूं मां कह के बुला लिया कर, और तेनू बाप दी याद आवे ते मैं मुहम्मद नूं अबू कह लिया कर, मैं तेनू बाप वाला प्यार दियांगा, ओ इंज यतीमां नाल प्यार करिया कर, सुनिया इंज यतीमां नाल मुहब्बत करिया कर, मगर सुनियो इत्थे मामले उलट चलदे ने, ओ यतीम ईद उल अज़हा हुंदी है, यतीम बच्चे अपने घरां च बह के और कई सफेद पोश कराने होया करदे ने, हाय हाय बेवा खवातीन इंतजार करदियां रहंदियां ने, किते कोई आवे गोशत दा टुकड़ा दे जावे, मैं अपने बच्चियां नूं बना के खिला दिया, पर मेरा मुआशरा उलट चला गया है, जिन्ना आके रस पाया हो पहला उन्ना नु देने, और ना सुनिया ना ना, और पहला यतीमा नु बचाया कर, पहला बेवा औरत नु बचाया कर, ओए मेरे नबी पाक ने तरीका दसिया, ध्यान करना जरा गौर करना, हा मैं तेनु एक गल सुनावा, और जानते हो तेरा बच्चा डिमांडा करके बड़ा कुछ मनवा लेंदा है, जदों जनाब कामयाबियां मिलदियां स्कूलां च रिजल्ट अनाउंस हुंदा है ना, इधर जनाबे वाला ए तकसीमे असनाद दा मौका हुंदा है, स्कूलां वाले कहिंदे ने लियाओ अपने मां ते बाप नूं लियाओ, अपने मापिआं नूं लियाओ, ओ किथे याद आया एक मासूम बच्चा उहदी वीडियो मैं आप वेखी, एक बच्चा एक बचाओ इंज जनाब कब्रस्तान दे अंदर ते अपने बाप दी कब्र ते इंज सर रखिए ते रोई जांदा है पिया, किसे बंदे उहदी वीडियो बना रही है, ए आखी जांदा है बाबा उठो मेरे साथ चलो, रोज मेरी टीचर मुझे मारती, फीस क्यों नहीं लेके आते, तुम्हारे पास कापी भी नहीं है, तुम्हारे पास पेंसिल भी नहीं है, पापा उठो ना मेरे साथ चलो, मेरी टीचर ने कहा, मेरे स्कूल वालों ने कहा अपने पापा को लेके आओ, पापा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पापा मेरे साथ चलो ना, ओए ना यतीमा को पुछिया करो बाप दियां कदरां, आए आए दर्जना पे वाला कामयाबियां होण ते जनाब स्कूलां वाले कहिंदे ने मापिआं नूं लै के आया जे, ते जाने कई बच्चे ऐसे भी ते होया करदे ने, कई तलीम हासिल करन वाले ऐसे भी ते होया करदे ने, और जिन्हां दा बाप कब्रां च जा पिया हुंदा है, हाय हाय इधर स्कूलां च आउंदे ने आके बहिंदे ने,
सारे स्कूल दे बच्चे कोई अपनी अम्मी नू लेके आया नाल अपने वालद नू लेके आया ते कई धीआं ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ियां तनहा के बैठियां हुंदियां ने क्योंकि उन्हां दा बाप जिन्हों नाल लेके आउणा सी कबरां च जा पिया है। आया एक लाहौर दी बच्ची रिजल्ट अनाउंस होया पूरे स्कूल तो वध नंबर लैने टॉप कीते स्कूल वालियां ने जनाब रिजल्ट सुनाया इस बच्ची दा बाप फौत हो गया इन्हे इनाम लिया इनाम लैके ते सीधा अपने बाबा दी कबर ते चली गई अपने बाप की कबर ते पहुंच गई है। वो धीआं ते पैसे अपने अप्पू तो जाना वार दियां ने अपने मापियां तो सब कुछ कुर्बान कर दियां ने और यतीमां दा ख्याल रखिया कर और मुआजरे दियां ड्यूटियां लगाइया कुरान आंदा हर माया वायु तैमूनताम अला मिस्कीनों यतीमों व असीरा गल सुनिया ते दरा नबी पाक कोल जवान आया फरमाया यतीम नू लभ लै अल्लाह तेरे दिल नू नरम फरमा देगा आउन थोड़ा जिहा अगे आओ हुण मैं गल समझाण लगा सुनिया ते दरा इन्हां इनामां नू याद रख लिया जे नबी पाक फरमाते ने हजरत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला हजरत नबी पाक ने फरमाया हजरत साहब बिन साद तो रवैत फरमांदे ने आका फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा यतीमां नाल प्यार करदा यतीमां नाल मुहब्बत करदा यतीमां दे सिर ते दस्ते शबकत रखदा इन्हां दी महरूमी नूं दूर करन दी कोशिश करदा हौसले देंदा है दलासे देंदा है इन्हां दा ख्याल रखदा फरमाया कयामत दा दिन होएगा क्यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक के सुबंदे नूं अपनी रहमत नाल जन्नत दा दाखला अता कर देवेगा अल्लाह पाक उस बंदे नूं अपनी जन्नत अता करेगा और सिर्फ जन्नत ही नहीं हो सिर्फ जन्नत ही नहीं हो बल्कि फरमाया जेड़ा बंदा यतीमां नाल प्यार करदे ओ जन्नत दे अंदर इंज मेरे नाल होएगा जिवें अल्लाह ने दो उंगलां इकट्ठियां बनाईया ने और मैं ते अपने लफ्जां च कहा करना वा और मेरे अल्लाह पाक उस बंदे नू जन्नत भी अता करेगा और जन्नत भी मिलेगी जन्नत च हुजूर दा साथ भी मिलेगा ते जन्नत च हुजूर दा दीदार भी मिलेगा। सारे सुभान अल्लाह ना कवो जिन्हें दीदार करना कवे सुभान अल्लाह ना 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 जे सारे नहीं बोले तो चौके कवो सुभान अल्लाह 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 ध्यान करना जरा गौर करते जाना बड़ी मोहब्बत ना गल सुन दिया ने मैं मोहब्बत ना फिर जन जुमले पढ़ना जाना मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मिलके मेरे नाल पढ़ना है जरा नबी पाक दा साथ लेना चाहता है अपने पीर दा दीदार करना चाहता है मोहब्बत ना जरूर पड़ेगा और मसनून पड़ेगा पता नहीं है मौके फिर लंबण के ना लंबण पता नहीं है जनाब वक्त लंबे के ना लंबे इस महफल के अंदर अल्लाह पाक दे नूरानी फरिश्ते भी आए ने लिख के लै जान जरा मोहब्बत मेरे नबी दा रुतबा आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना उच्चियां शाना वाला सोना
ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਐ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਨ ਕਾਨ ਫਰਨ ਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਾ ਦਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲਾ ਸੱਲੱਲਾ।